Hey guys, welcome back to another video and welcome into my YouTube channel video game. I hope you are all fine. एकदम मज़े में ठीक ज़बरदस्त होंगे guys. आज गेम प्ले हम देखने वाले हैं बेस्ट वेरियर और गजनी के बीच में. गजनी का रैंक पहले ए था लेकिन अब भी ये बी पे आ गया. बहुत अच्छे प्लेयर हैं दोनों. देखते हैं भाई इनका गेम प्ले. लेट्स स्टार्ट राउंड वन. गजनी बहुत अच्छा प्लेयर है. स्ट्रीट फाइटर 2 में यार ज़्यादातर लोग एम बाइसन से खेलते हैं, बाकी प्लेयर से बहुत कम खेलते हैं. गजनी एक ऐसा प्लेयर है जो रायो को पसंद करता है, उसी से ज़्यादा खेलता है ये. मैंने अभी तक नहीं देखा कि इसने कोई और प्लेयर लिया हो. और गाइस मेरा भी फेवरेट रायो ही प्लेयर है. तो आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना. सही है. अरे बाप रे, रायो के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया भाई पहले राउंड को जीतना. चौंतीस सेकंड रह गए हैं भाई. बस गोलों पे जोर रखा हुआ है फिलहाल रायो ने. ओए लात की जगह यहाँ पे होके लगती तो ठीक था ना. वहाँ पे मतलब एक चांस था उसके पास. लो जी पहला राउंड रायो जीत गया. यस गाइस रायो मेरा बेस्ट प्लेयर है, मुझे ये काफ़ी पसंद है. आपको कौन सा प्लेयर ज़्यादा पसंद है बताना. अच्छा गजनी का मैंने एक चीज़ नोट किया कि ये कभी भी जब घिरा होता है तो ये हुक कभी भी नहीं मारता. एम्बेसन ऊपर आया हो तो ये कभी भी नहीं मारता, ये ब्लॉक करता है हमेशा. वैसे मैंने ये चीज़ देखी है कि गाइस आपने भी नोट किया होगा कि राय और कैन से जो भी लोग ज़्यादा खेलते हैं जब गिरते हैं तो उसके बाद लाजमी हुक मारते हैं वो, अगर अगला ओपोनेंट जो है एनिमी ऊपर आ रहा हो तो. अबे ये बहुत टफ हो गया रायो के लिए. अरे हार गया. एम बाइसन भाई, एम बाइसन है यार. एम बाइसन का मुझे बस एक चीज़ अजीब लगती है, कुछ भी मारता है बोलता नहीं है, ये भोंगों की तरह खेलता है. भोंगा है ये, भोंगा प्लेयर है. मैं इसको भोंगा प्लेयर बोलता हूँ. भाई लात मारेगा, मुक्का मारेगा, बिजली मारेगा, ऊपर से आएगा, वो दुलती मारेगा, कुछ भी मारेगा लेकिन चुप करके आएगा भाई. अरे बहुत प्रेशर से किक लगी है यार, वो दूर जाके गिरा है भाई. एक जो कॉइन है वो तो हार गया, अभी दूसरा कॉइन शुरू हो गया. 3 का मैच है, छोटा सा मैच है, देखते हैं कौन जीतता है भाई. अरे बाप रे तारे आ गए. अरे वैसे तो चढ़ गया भाई. दो दफ़ा स्टन मारा इसने, दो दफ़ा चूचे आए हैं. परफेक्ट परफेक्ट मार दिया बाइसन ने. राउंड टू फाइट. अरे ये गलत था यार, उसे शायद इस वजह से मारा कि ये बाइसन दुलती मारेगा, लेकिन उसने नहीं मारी. वो जल्दी कर गया रहा है, वो अभी भी जल्दी कर रहा है यहाँ पे. ओए जल्दी कर रहा है, बहुत मतलब बहुत तेज़ी में खेला है, जज्बाती हो गया ये राउंड खेला है मेरे ख्याल में, मुझे तो ऐसे लगा है. यार थोड़ा सा स्लो खेलता शायद जीत जाता. चलो अब देखते हैं भाई, बीट लगने वाली है 3 की, 1 से 3 होने वाले हैं. वह गुड शॉट यार, क्रॉस पे चला गया. अरे यहाँ पे इसने मुक्का मारा है यार, वो नहीं हुक नहीं मारी. क्या बात है, गजनी को हुक आती नहीं है. आती तो होगी गाइस, पर पता नहीं क्यों नहीं मारी उसे. अरे गुड यार, यहाँ पे पकड़ना वैसे बड़ा मुश्किल था यार. 90% चांस उसके पास होता है एम बाइसन के पास, वो पकड़ लेता है उतरते साथ ही, ज़मीन पे पकड़ लेता है. बहरहाल यहाँ पे बड़ी टाइमिंग चाहिए थी.
और वो टाइमिंग इस्तेमाल की है रायो ने और उठा के फेंका। यार रायो फंस गया भाई। भाई गोलों में फंसा तो लिया पर जब वो एम्बेसन जंप कर जाता है उस वक्त फिर पर मुश्किल है रायो के लिए। फिर वो अपने गोलों को मतलब बरकरार नहीं रख सकता कि वो लगातार मारता रहे मारता रहे। और ये गलत हो गया रायो के लिए। राउंड टफ हो गया। अभी चांस है क्रॉस पे, अगर क्रॉस टूट जाए तो। और ये नहीं टूटा, एम्बेसन ने ब्लॉक सही किया। यार ओए बच गया बच गया। ओए शिट। बट अभी भी एक राउंड है, अगर राया जीत जाए तो, अपना गजनी भाई जीत जाए तो। चढ़ जाओ ऊपर तारे। ओए नहीं 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 उसके सर के ऊपर आके फिर जंप करे ना यार, तो वो क्रॉस पे चला जाता। छुट्टी फिर तारे स्टान आ जाएगा। अबे ये पूरी कंबो मार रहा है। और फिर स्टन आ गया। हेलो गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स, बाय, टाटा, सी यू सून।